कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के खिलाफ प्रदर्शन किया। उस सट्टा ऐप का संचालन बंद नहीं होने पर कड़ा विरोध भी जताया है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई के बाद भी शहर में महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप का संचालन किया जा रहा है, जिसे बंद करने की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने दुर्ग कलेक्टर और SP के नाम ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं ने सट्टा संचालकों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मामले में SP शलभ सिन्हा ने बताया है कि लगातार महादेव ऑनलाइन सट्टा पर कार्रवाई की जा रही है, हम लगातार ऐसे लोगों पर नजर बनाए हुए हैं। ज्ञापन सौंपना तो मतलब बहुत समय से हम लोग ज्ञापन सौंप करके ऑनलाइन सट्टा को बंद कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज हम लोगों ने SP साहब से, कलेक्टर साहब से ये निवेदन किया है कि केवल उन पर जुआ एक्ट या सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई करके इस तरह से कोई भी कार्रवाई ना करे जिनसे उनका हौसला लगातार बढ़ते रहे। ठोस कार्रवाई होनी चाहिए जिससे युवाओं के मन में पुलिस का, कानून का, प्रशासन का भय हो और ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस गंदी लत को लगाने से बच सकें, क्योंकि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो 6 महीने साल भर से शहर से बाहर हैं, इसी ऑनलाइन गेमिंग में उन लोग घर छोड़कर चले गए हैं। तो आज हम लोगों ने मांग की है कि ऐसे सभी लोगों को वापस भी लाया जाए और जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई भी हो। लगातार दुर्ग पुलिस द्वारा महादेव ऐप के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और इसी सिलसिले में यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी आकर के ज्ञापन सौंपे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो युवा हैं वो इस ऐप के झांसे में आकर के दूसरे जगहों में, अपने राज्य छोड़ करके, ज़िला छोड़ करके दूसरी जगहों में जा करके इसका संचालन कर रहे हैं। तो इससे संबंधित कार्रवाई की मांग उन्होंने की है, कार्रवाई हमारी तरफ से जारी है और हम लोगों ने भी उनसे यही रिक्वेस्ट किया है कि हमारा जो जागरूकता अभियान है इस सिलसिले में उसमें हमारा सहयोग करें और ग्राउंड तक हमारे इस मैसेज को पहुंचाएं कि ये जो ऐप हैं और ये जो भी ऑनलाइन सट्टे के जो भी प्लेटफॉर्म हैं वो गैरकानूनी, इनमें संलिप्त होकर के अपना भविष्य बर्बाद होता है। हम लोग लगातार ये अवेयरनेस का संदेश भी पहुँचा रहे हैं, साथ साथ कार्रवाई